क्लास में और आज की इस वीडियो में हम पुराने सूट में से क्रॉप टॉप बनाएंगे। तो देखिए मेरे पास ये मेरा पुराना सूट था, इसमें से हम क्रॉप टॉप बनाएंगे। देखिए सबसे पहले तो हमने नीचे से देखिए इसकी यहाँ से साइड से खोल लिया है और नीचे से भी हमने इसे खोल लिया है। पहले से हम कपड़ा जितना हमें चाहिए उतना अलग कर लेते हैं काट के, और उसके बाद हम मार्किंग करेंगे। उल्टा कर लिया इसको। देखिए फ्रेंड्स, तो देखिए ये हमने टोटल 16.5 इंच लिया है, क्योंकि हम दोनों 14 इंच हमारे क्रॉप टॉप की तैयार लेंथ है और 2 इंच हम नीचे फोल्ड करने के लिए लेंगे और 1/2 इंच हम ऊपर लेंगे सिलाई के लिए। तो देखिए यहाँ से इसमें हम बोट नेक बनाएंगे। जो बोट नेक बनाते हैं तो उसमें थोड़ा शोल्डर एक्स्ट्रा लेते हैं हम। 7.5 इंच लूंगी शोल्डर इसमें, और आर्म होल लूंगी मैं 7 इंच। देखिए इस तरह से, और यहाँ निशान लगाएंगे चेस्ट का। तो चेस्ट हमारी 34 इंच है, उसको डिवाइड करेंगे 4 से, प्लस उसमें 1 करना है। तो डिवाइड करेंगे 4 से 34 को, तो हमारा 8.5 आएगा, और 1 इंच उसमें प्लस करेंगे तो 9.5। यहाँ निशान लगाएंगे वेस्ट का, तो वेस्ट हमारी है 28, उसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो 7 इंच आएगा, और प्लस उसमें 1 करेंगे क्योंकि हमारा प्लेट डलेंगे इसमें, तो इसलिए हम 1 इंच प्लस करेंगे। वैसे हम 1/2 इंच प्लस करते हैं, तो ये 8 निशान लगा लूँगी मैं इस तरह से, और इसे ऐसे मिला देंगे हम। अब 1.5 इंच हम मार्जिन कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए यहाँ से हम शेप देंगे इस तरह से। ये हम विदाउट स्लीव्स बनाएंगे, और देखिए यहाँ से निशान लगाएंगे अपने हम जो डार्ट डालेंगे। तो यहाँ से हम देखिए 3.5 इंच लेंगे इस तरह से, और ऊपर से भी हम 3.5 इंच लेंगे। और 1/2 इंच इस तरह से लेंगे। नाप हम यहां से लगाएंगे कि 2 इंच तो हमारा एक्स्ट्रा ही हमारा फोल्ड होगा, तो इसलिए आपको यहां से नापना है 3.5 इंच, और फिर आपको देखिए इस तरह से नीचे तक मिला देना है। ये बैक और फ्रंट दोनों में हमारी डार्ट डलेगी। देखिए इस तरह से अब कटिंग कर लेते हैं हम। यहाँ हम कट लगा लेंगे ताकि पता रहे हमारे डार्ट का निशान है ये इस तरह से। ये हम 3 कट लगा लेंगे देखिए, ना अलग अलग कर लेते हैं। तो देखिए अब हम नेक कट करेंगे, तो पहले फ्रंट का नेक कट करते हैं। तो इसमें हमें बोट नेक बनाना है, तो देखिए नेक की चौड़ाई में लूंगी करीब 5 इंच। ये आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से, और लेंथ में लूँगी करीब 3.5 इंच लूँगी मैं। यहाँ बोट शेप देंगे, इसे कट कर लेते हैं। ये देखिए नेक कट कर लिया फ्रंट का, और बैक कट करेंगे हम।
देखिए बैक में हम पीछे हुक लगाएंगे। तो देखिए चौड़ाई हम इसके में भी 5 इंच लेंगे इस तरह से, और लेंथ हम कम लेंगे, तो लेंथ में करीब देखिए 1.5 इंच लूंगी और थ्रेड शेप देंगे। इसे कट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसे हम देखिए यहाँ बीच से अलग कर लेंगे। देखिए ये हमने बीच में से देखिए अलग कर लिया है, यहाँ पे हम हुक लगाएंगे। तो देखिए हमारी कटिंग हमारी हो चुकी है, अब मैं आपको इसे सिलाई दिखाती हूँ। तो चलिए इसकी सिलाई शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें हम डार्ट डालेंगे, देखिए मैंने निशान लगाया हुआ है डार्ट के। चलिए डार्ट डाल लेते हैं पहले। ये मैं इस तरह से डार्ट डाल ली है, इस तरह से हम बैक ऑफ बैक पार्ट में भी डार्ट डाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमने बैक पार्ट में देखिए डार्ट डाल ली अपनी, ठीक है। अब डार्ट डालने के बाद अब इसका नेक तैयार करेंगे हम। फ्रंट नेक बनाते हैं उसके बाद हम बैक नेक बनाएंगे। तो इसके लिए देखिए मैंने ये और पट्टी कट की हुई है, इसी का जो बचा हुआ कपड़ा था सूट का उसी में से देखिए हमने लाइनिंग में से। तो देखिए हमने करीब 1.5 इंच चौड़ी हमने स्ट्रिप ली हुई है, हमने इसके हिसाब से लिए। अब देखिए इसे हम डबल करेंगे इस तरह से और राइट साइड से अटैच करेंगे इसे, देखिए इस तरह से। हमने और एक पट्टी अटैच कर ली है, अब यहाँ हम कट लगा देंगे इस तरह से। देखिए कट लगा दी हमने और अभी से हम देखिए इस तरह से उल्टी तरफ देखिए पलट कर यहाँ सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई हम बड़ी लगाएंगे, इसमें 12 रुपए के बाद इसे निकाल देंगे हम, ये देखिए इस तरह से। और ये हमारे देखिए फ्रंट नेक तैयार हो गया है। अब सेम इसी तरह से हम जो हमारे देखिए बैक नेक है इसे भी और एक पट्टी हम अटैच करके इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इन दोनों नेक पे अलग अलग इस तरह से हम और एक पट्टी अटैच कर लेंगे और नेक तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमने बैक नेक भी तैयार कर लिया है, और हमारे देखिए ये फ्रंट नेक भी तैयार हो गया है। और अब हमें देखिए पीछे ये हम यहाँ पट्टी अटैच करेंगे हुक के लिए। तो इसके लिए देखिए मैंने इस तरह से करीब 2.5 इंच चौड़ी मैंने ये पट्टी कट की हुई है, और देखिए लेंथ हमें इसके हिसाब से लेनी है और 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेनी है पट्टी। तो देखिए जो राइट साइड हम पट्टी अटैच करेंगे उसे हम बढ़ती हुई पट्टी लगाएंगे वो इस तरह से हमारी आएगी, और जो हमारी लेफ्ट साइड अटैच होगी वो हमारी पूरी अंदर जाएगी, क्योंकि इसमें हमारी आई आएगी और इसमें हमारे हुक लगेंगे। तो देखिए जो राइट साइड वाली पट्टी है उसे हम उल्टी तरफ से अटैच करेंगे, देखिए इस तरह से उल्टा करेंगे इसे, और इसलिए हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, इसे हम इस तरह से बाहर निकाल के उल्टी तरफ पलट लेंगे, देखिए इस तरह से, और फिर सिलाई लगाएंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स ये मैं सिलाई लगा ली है और अभी से हम देखिए इस तरह से इसे हम इस तरह से पलट के हल्का सा फोल्ड करेंगे और इसी के ऊपर हम देखिए पलट कर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई के ऊपर हमें सिलाई लगानी है पलट कर। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमने इस तरह से देखिए ये पट्टी अटैच कर ली है, ये हमारी बड़वा पट्टी है। अब जो राइट साइड है देखिए इसमें हमने बाहर तरफ करी थी पट्टी और इसमें हमें अंदर तरफ करनी है और इसमें हम सी तरफ अटैच करेंगे इसे इस तरह से डबल करके। इसे भी हम इस तरह से फोल्ड करेंगे पीछे की तरफ और फिर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैं सिलाई लगा ली है और अभी से देखिए हम उल्टी तरफ पलट देंगे। देखिए मैं पीछे तरफ फोल्ड किया था कपड़ा, इसको इस तरह से करेंगे इसे पूरा हम पीछे तरफ फोल्ड कर देंगे। देखिए इस तरह से इसमें हम बड़ी सिलाई लगाएंगे और बाद में तिरपाई बल से निकाल देंगे क्योंकि हमारे ऊपर तरफ आएगा तो सिलाई छीन रहेगी इसमें, तो इसलिए हम सिलाई यहाँ बड़ी लगाएंगे और उसे बाद में निकाल देंगे। तो देखिए हमारी पट्टी अटैच हो चुकी है। मैं दिखाती हूँ आपको ये किस तरह से आएगी। ये देखिए ये हमने बढ़ती हुई पट्टी लगाई है तो ये हमारी अंदर तरफ आएगी और ये देखिए हमने पूरी अंदर फोल्ड कर लिया, ये हमारी इस तरह से इसके ऊपर आएगी, इसमें हमारे हुक आएंगे और इसमें हमारी आई आएगी। तो ये देखिए इस तरह से आएगी। तो देखिए हमारी पट्टी भी अटैच हो चुकी है और नेक भी तैयार हो चुके हैं। अब देखिए हम शोल्डर अटैच कर लेंगे। देखिए इस तरह से रखकर हम इसके शोल्डर अटैच करेंगे। फ्रेंड्स ये हमने शोल्डर भी अटैच कर लिया है और अब इसके हम आर्म होल रेडी करेंगे। तो देखिए इसे भी हम डबल करेंगे। देखिए इस तरह से और यहाँ से देखिए अटैच करना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से हमने नेक में ये और एक पट्टी अटैच की है, सेम उसी तरह से हमें ये आर्म होल बनाना है अपना। एक आर्म होल देखिए और एक पट्टी अटैच कर दिए, इसी तरह से हम दूसरे में कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमने दोनों आर्म होल देखिए रेडी कर लिए। अब इसकी हम फिटिंग करेंगे, जो भी हमारा साइज है उसके अकॉर्डिंग हम इसकी फिटिंग करेंगे। फिटिंग करने से पहले ये देखिए जो हमने पट्टी अटैच की थी इसे हम इस तरह से ये ऊपर कर लेंगे इसके और पिन लगा देंगे इसमें हम। अब जो भी हमारा साइज है उसकी फिटिंग कर लेंगे हम। फ्रेंड्स ये हमने फिटिंग कर ली है, अब इसे हम नीचे से फोल्ड करेंगे। देखिए सर अब ये पिन आई थी, हमें हटा लेते हैं।
और देखिए जितना हमने एक्स्ट्रा लिया था उसे हम देखिए इस तरह से इसे हम फोल्ड करके यहाँ बड़ी सिलाई लगा लेंगे और फिर पाइप बल से निकाल देंगे। फ्रेंड नीचे से भी हमने फोल्ड कर लिया है, बाद में देखिए तुरपाई कर देंगे हम और सिलाई को निकाल देंगे। तो देखिए हमारा ये क्रॉप टॉप देखिए रेडी हो गया है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ उसका फाइनल लुक। तो देखिए पुराने सूट में से देखिए कितना सुंदर हमारा ब्लाउज बना है देखिए। और आप इसे लहंगे के साथ कैरी कर सकते हैं, स्कर्ट या साड़ी। देखिए ये साड़ी के साथ भी कितना सुंदर लग रहा है। तो अगर आपके पास भी कोई सीक्वेंस वर्क में कोई सूट है पुराना आपके यूज़ का नहीं है तो उसे फेंकिए मत और उसमें से इस तरह से देखिए ब्लाउज बनाइए। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।